Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर मयंक सिंह, एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सबके लिए सिविल गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप अपने साइट में एक सिविल इंजीनियर अपने साइट में ब्रिकवर्क का काम करवाता है तो ब्रिकवर्क करने के पहले क्या आपको चीजें चेक करनी पड़ती है, ब्रिकवर्क होने के दौरान क्या चेक करना पड़ता है और जब ब्रिकवर्क हो जाता है तब हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका नेम, डेट एंड नंबर ऑफ द ड्राइंग। जो आपके हाथ में आर्किटेक्चर प्लान होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा उस कब का नाम डला हुआ है, कब उसकी डेट डली हुई है। कि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई ड्राइंग रिवाइज होने गई है तो इसमें क्या होता है, एक गलती हो सकती है हमारे से कि वो रिवाइज ड्राइंग आपके हाथ में ना हो या आपके पास पुरानी ड्राइंग हो, तो वो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वो प्रॉपर उसी का है कि नहीं। फर्स्ट फ्लोर का अगर हम ब्रिकवर करवा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर का ही ड्राइंग आपके हाथ में तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि आपका सेकंड फ्लोर का अगर आपके हाथ में ड्राइंग है और आप फर्स्ट फ्लोर का ब्रिकवर करवा रहे हैं, ऐसी गलती साइट में होती है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आपका जो वो पर्टिकुलर फ्लोर का ही ड्राइंग होना चाहिए और पर्टिकुलर नेम, डेट एंड ड्राइंग आपका सही होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में बोलता है प्री एग्जीक्यूशन चेक, मतलब ब्रिकवर चालू होने के पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती है। आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग अवेलेबल, मतलब वही जो मैंने अभी बात किया, जो ड्रॉइंग की बात किया वो परफेक्ट आर्किटेक्चर ड्रॉइंग होना चाहिए, उसमें जो प्रॉपर ब्रिकवर के स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और वो ड्रॉइंग होना चाहिए, मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का सील उसमें लगा होना चाहिए, तभी आप उस काम को एग्जीक्यूट करवाएंगे आप अपने साइट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स अवेलेबल, जितना ब्रिकवर के लिए आपको ब्रिक्स लगेगा वो उतना साइट में अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि क्या करते हैं, जब हम ब्रिकवर का काम करवाते हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, कि कैसे ब्रिक्स निकाला जाता है, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा हमारे ब्रिकवर्क में, तो वो आपका साइट में अवेलेबल है कि नहीं आप चेक करेंगे, ताकि अगर आपको ब्रिक्स कम है तो आप उसको ताकि पहले से ऑर्डर करके मंगवा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस प्रिपरेशन, ठीक है, आर द हैकिंग एट कॉन्टेक्ट सर्फेसेस ऑफ कॉलम एंड बीम, ठीक है, जो हम हैकिंग करते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे फोटो में, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टाचा मारना। क्योंकि जब ब्रिकवर्क और कॉलम के बीच में जब बॉन्ड होगा तब वहां पे क्या होगा, आपको हैचिंग करना बहुत ही जरूरी है कॉलम और बीम सरफेस में, ताकि दोनों का बॉन्डिंग अच्छा हो पाए। अब आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। हैज सीमेंट स्लरी बीन अप्लाइड ओवर द हैक्ड सरफेस, जब क्या कर रहे हैं, जब हम सीमेंट स्लरी अप्लाइड करेंगे, जब हैकिंग तो कर लिए, हम ढांचा तो मार लिए बीम और कॉलम सरफेस में, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, स्लरी अप्लाई करना पड़ेगा, मींस गोला पानी, हम सीमेंट का पानी को अप्लाई करेंगे, ताकि जब हम ब्रिकवर्क करें, ब्रिकवर्क का फेस और कॉलम का फेस जब जॉइंट हो तो उसमें हम सीमेंट का पहले स्लरी लगाते हैं, ताकि दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से हो पाए और ताकि अच्छे सा स्ट्रेंथ हमको मिल पाए। आगे पॉइंट बात करते हैं। हैव एल्युमिनियम स्टील टेम्पलेट यूज्ड फॉर डोर विंडो ओपनिंग, जब हमारी कोई भी वेंटिलेशन है डोर की, विंडो की जो ओपनिंग्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रिल लगा दे, ताकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर गुनिया में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं, आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल, मतलब जो आपके जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके पास जो मेसन लेबर है उसके पास प्रॉपर टूल्स अवेलेबल है कि नहीं ब्रिकवर्क करने के लिए, वही चीज बोल रहा है, आर द प्रॉपर रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल, सीमेंट इज इट ऑफ अप्रूव्ड ग्रेड एंड लेस देन 1 month ओल्ड, मीन्स जो आपको जो सीमेंट आप यूज करेंगे मोटार में, जो आप सीमेंट मिलाएंगे, जनरली क्या करते हैं, कहीं आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि उसमें 3 महीना पुराना होना चाहिए, मगर इन द केस ऑफ ब्रिकवर्क एंड प्लास्टर हम जनरली यही करते हैं, ताकि उसमें आपका जो सीमेंट हो वो प्रॉपर 1 महीना पुराना होना चाहिए, उसका ISI मार्क होना चाहिए, आपका बैच यूनिट नंबर होना चाहिए, ब्रांड नेम, MRP और बैग, ये सब सारी चीजें हम चेक करते हैं, क्योंकि आजकल सीमेंट की धांधली बहुत होती है, नाम कोई होता है और सीमेंट कुछ और होता है, नाम अच्छी कंपनी का उसी का डुप्लीकेट हम मार्केट में बहुत चलता है, तो हम प्रॉपर चेक करेंगे सीमेंट के बैग को। अब क्या बोलते हैं, सैंड इट इज मीडियम ग्रिटी क्लीन एंड सील्ट फ्री,
लेस देन 5% जो आप सैंड यूज करेंगे मोटार में वो क्या होना चाहिए, सील्ड फ्री होना चाहिए। मतलब सील्ड का जो कंटेंट है वो मिनिमम क्या होना चाहिए, 5% होना चाहिए। दोस्तों सीखना चाहते हो ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिविल गुरुजी के साथ? अब सिविल गुरुजी आपके अपने शहर दिल्ली NCR, लखनऊ, भोपाल, भिलाई, नागपुर और आपके अपने शहर बिहार पटना में आ चुका है। 15 अप्रैल से बिहार बैच की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंजीनियर्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा 9111001234 में या हमारे सिविल गुरुजी ऐप में भी जाके इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंजीनियर्स लिमिटेड सीट्स हैं, एक बैच में सिर्फ 20 इंजीनियर्स ही सिविल गुरुजी एनरोल करता है। आगे बढ़ते हैं चेक्स। ये आपने देखा कि प्री एग्जीक्यूशन चेक, मतलब ब्रिकवर्क करने के पहले क्या क्या चेक करना पड़ता था, अब ब्रिकवर्क जब आप हो रहा है आपके साइट पे तब आपको क्या चेक करनी पड़ेगी, तो क्या बोलता है, इज द ब्रिकवर्क चेक्ड इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब वर्टिकल कैसे चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लंब बॉब, और हॉरिजॉन्टल हम कैसे चेक करता है, मिस्त्री कैसे चेक करता है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। जैसे कि आप ये फोटोज में देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का चेक कर रहा है धागे की सहायता से, और वर्टिकल जो चेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लंब बॉब। तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है ताकि आपको आपकी दीवार बनने के बाद टेपर्ड ना दिखे, टेढ़ी मेढ़ी ना दिखे, पूरा एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इज ब्रिक सोक्ड इन वाटर टू जस्ट पेनिट्रेट द होल डेप्थ ऑफ द ब्रिक। देखिए क्या होता है, जब हम ब्रिकवर का काम करवाते हैं तो ब्रिक को स्प्रेइंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके साइड में ब्रिक को आप सोक्ड कर दे रहे हैं, कोई टंकी है आपके पास या कोई ड्रम है, तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम ब्रिकवर चालू होने के आधे एक घंटे पहले हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग करवाएंगे पानी से पूरा अच्छे से ब्रिक को गीला करवाएंगे, तभी हम उसको यूज करेंगे किसमें, ब्रिकवर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इज द मोटर इन प्रमोशन 1:5 ऑन MS शीट यूजिंग फर्मावॉक्स। जितना भी आप अगर रेशो यूज कर रहे हैं, जितना आपके ड्राइंग में लिखा हुआ आर्किटेक्चर प्लान में कि ब्रिकवर में जो रेशो यूज करना है, जैसे कि यहां पे लिखा 1:5, तो वो जो आपका जो मोटार बनेगा, जो मोटार का जो माल बनेगा सीमेंट और सैंड का, वो बनना चाहिए आपके प्रॉपरली MS शीट में। नहीं तो क्या होगा, हम नॉर्मली अर्थ में बनाएंगे, सरफेस में बनाएंगे, तो वो क्या होगा, आपका जो पानी है वो सरफेस आपका सूख जाएगा, मतलब मोटार का पानी वो सोक्ड हो जाएगा। इसी कारण हम उसको मिक्स करते हैं आपका किसमें, MS शीट में। और जो प्रपोर्शन होना चाहिए, मतलब 1 part ऑफ सीमेंट एंड 5 part ऑफ सैंड, वो प्रॉपरली फर्मा बॉक्स से मिक्सिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हैज द थिकनेस फॉर जॉइंट्स बिन चेक। जो ये थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस हम कितना देते हैं मोटार में, यूजली हम देते हैं 10 mm, तो वो प्रॉपरली 10 mm दे रहा है कि नहीं मोटार का थिकनेस, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हैज द रैकिंग एंड पॉइंटिंग्स ऑफ जॉइंट्स बीन डन। रैकिंग और पॉइंटिंग आपका ब्रिकवर्क में है वो हुआ है कि नहीं। रैकिंग क्या करते हैं हम, जनरली ये बीच बीच से जो दिख रहा है वहां से हम मसाला जेल निकालते हैं, उसी को बोलते हैं हम रैकिंग एंड पॉइंटिंग की प्रोसीजर। वो आपकी प्रॉपर जॉइंट्स में हुई है कि नहीं, वो आप चेक करेंगे। इज द RCC बैंड फॉर 10 mm वॉल्स हैज बीन डन। जब हम 100 mm की 4 inch की वॉल बनाते हैं तो उसमें क्या देना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता, तो हम उसमें देना पड़ता है आपको RCC बैंड। जैसे कि ये पिक्चर्स में देख रहे होंगे आप, नॉर्मली हम 6 mm या 8 mm, जनरली हम 6 mm का ही सरिया यूज करते हैं RCC बैंड के लिए, और उसमें लिंकअप से रहते हैं। ये हम क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं तो वॉल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं होपिंग, हैज होपिंग प्रोवाइडेड एट 3 layer इन 100 mm वॉल। क्या करते हैं हम 100 mm वॉल में हर एक 3 layer में, मींस देखिए यहां पे फोटो देख रहे होंगे, 1, 2, 3, मतलब तीसरे लेयर में, 1, 2, 3 तीसरे लेयर में हर आप एक प्रकार का होपिंग प्रोवाइड करेंगे, 6 mm की बार को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके 100 mm वॉल में अच्छे से स्ट्रेंथ मिल सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हैज द प्रोसीजर ऑफ नॉट कंस्ट्रक्टिंग मोर देन 1.2 meter अ डे बिन फॉलोड। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दिन में हम ब्रिकवर्क की जो हाइट होगी वो होगी 1.2 meter से ज्यादा आप
हाइट में ब्रिकवर्क को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि देखो हवा आएगा, हवा आंधी तूफान आते हैं तो ब्रिकवर्क के क्या कोलैप्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये हर एक इंजीनियर अपने साइड में जब भी ब्रिकवर्क करवाएगा या कोई भी इंसान जब अपना घर भी बनवाएगा तो ब्रिकवर्क करवाते समय आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि 1.2 मीटर से एक दिन में ज्यादा वो ब्रिकवर्क ना करे। ठीक है, अब ये हो गया पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक। अब हमने इस वीडियो में बात कर ली कि ब्रिकवर्क चालू होने के पहले हम क्या चेक करते हैं, ब्रिकवर्क जब आप काम हो रहा है तब क्या चेक करते हैं, अब हम समझेंगे कि ब्रिकवर्क जब खत्म हो गया तो उसके बाद आपको क्या क्या चेक्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हैज द क्यूरिंग ऑफ ब्रिकवर्क डन फॉर एटलीस्ट 7 डेज। जब भी हमारा ब्रिकवर्क होता है तो हम ब्रिकवर्क में चौक से या मार्कर से में उस पर्टिकुलर डेट में एक डेट तारीख लिख देते हैं जिस दिन ब्रिकवर्क आपका कंप्लीट होता है, और उसके अगले नेक्स्ट 7 दिन तक हम उसमें अच्छे से प्रॉपर क्यूरिंग करवाते हैं, क्योंकि क्यूरिंग करवाएंगे तभी वो ब्रिकवर्क में स्ट्रेंथ आपकी पैदा होगी और स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिकवर्क होने के बाद आपको 7 दिन तक क्यूरिंग करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बात करते हैं, हैज केयर बीन टेकन ऑफ नॉट एंटरटेनिंग एक्सेसिव चेसिंग। जो हम चेसिंग की बात कर रहे हैं, जो ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, जो हम प्लंबिंग के लिए जो हम चेसिंग करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम चेसिंग करते हैं, वो ज्यादा ना हो। जनरली हम 20 mm यूज करते हैं चेसिंग के लिए, और ऐसा ना हो कि हम दीवार में इस तरफ चेसिंग किए तो उस तरफ से भी हम इस सेम डायरेक्शन सेम एलिवेशन पे चेसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 20 mm इज सफिशियंट फॉर चेसिंग। ठीक है, अब बात करेंगे, हैज अ नेल बीन ड्रिवन टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आफ्टर 7 डेज। हम अब जब 7 डेज के बाद जब हम क्यूरिंग कर लिए, अब उसमें जब स्ट्रेंथ आ गई, तो जो आपका जो ये प्रॉपर होगा जॉइंट पे हम क्या करते हैं, खीला ठोक के चेक करते हैं ताकि आपके दीवार में आपके जो आपने ब्रिकवर करवाया है अपने साइट पे वो प्रॉपर दीवार में स्ट्रेंथ मिली है कि नहीं। तो इस वीडियो में आपने समझा कि कैसे एक चेकलिस्ट ब्रिकवर्क का, कैसे आप चेकलिस्ट को चेक किया जाता है, इसी को बोलते हैं हम पोर कार्ड। तो कभी भी सिविल इंजीनियर जब भी आप अपने साइट में काम करते हैं या काम करने जब इन द फ्यूचर आप काम करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट में, जब भी आपका ब्रिकवर्क का काम होगा तो ये पॉइंट आप अपने रिमाइंड में बहुत जरूरी रखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF लिंक भी भेज दूंगा ताकि आपको चेक करने में अपने साइट पे इजी रहे। इसी टाइप के वीडियोस में आपके लिए और लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी। एक खास ऑफर के साथ पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।